और यहाँ जीरो लोग रहते हैं और हम यहाँ पर 24 घंटे बिताने वाले हैं। मैं तो तैरने जा रहा हूँ। यो, ये एक डोरिटो जैसा लग रहा है। डोरिटो से याद आया, हम सप्लाईज भी लाए हैं। ठीक है, सबसे पहले माउंटेन ड्यू, बॉबी, इजी बेक ओवन, ये मेरे पूप के लिए। हम फोर्टनाइट मोनोपोली भी लाए हैं, वरना सुनसान आइलैंड पर बोर हो जाएंगे। तुमने क्या लाया है चैंडलर? ये भारी सामान। और बाकी जो सामान है वो है बस टेंट्स, चेयर्स और बोरिंग चीज। जब हम मॉम के साथ मार्केट जाते हैं और वो सारा सामान हमसे उठवाती है, वैसा लग रहा है। ठीक है बॉयज, वो बोट्स चली गई हैं, वो कल तक वापस नहीं आने वाली हैं। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, हम एक आइलैंड पर हैं। हाँ। तो प्लीज किसी को मरने मत देना, ठीक है? अब मैं सुसु करने जा रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ पर कैंप लगा। मैं यहाँ अब तक का बेस्ट टेंट लगाऊंगा। गुड, चैंडलर मेरा भी लगा देना। नहीं, वो वहाँ पर है और जैसा कि मैंने कहा था, पैसों से भरा हुआ संदूक। मैं इन पैसों को जमीन में गाड़ना चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रहा कहाँ, और मैं नहीं चाहता वो देखें, वो पास ही हैं। क्यों ना उन्हें कहें कि हम हाइड एंड सीख खेल रहे हैं और तब तक मैं खजाने को छुपा दूंगा। ठीक है, इस आइलैंड के वासियों, चलो हाइड एंड सीख खेलते हैं। सब यहाँ पर खड़े हो जाओ। ओके, सब काम छोड़ दो, किनारे पर जाओ और उधर मुंह कर लो, और अगर किसी ने चीटिंग की तो उसके मरने तक उसे कभी भी किसी चैलेंज में नहीं आने दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, पर मैं अमर हूँ। उन्हें कभी शक नहीं होगा कि ये कैंप के बीचों बीच है। चलो एक गहरा गड्ढा करते हैं। हम कैंप के बहुत ही पास हैं, इसलिए वो चेक नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कहीं दूर होगा। मजा आएगा। ठीक है गाइस, कोई हाइड एंड सीक नहीं है, पीछे मुड़ जाओ। तुम खुद को दफना रहे थे ना, मुझे पता है। नहीं, खजाना दफनाया है मैंने, यहाँ $10,000 दफनाए। नहीं, ये झूठ है। मजाक कर रहा था, मैंने झूठ कहा। वो $10,000 नहीं है, वो 3,000 है। गो, $1 के 3,000 नोट है। वो खजाना मेरा है, उसे मैं लूंगा। जितना ज्यादा ढूंढेंगे उतने ही ज्यादा फुटप्रिंट्स, और ये और मुश्किल हो जाएगा। मैं जिमी को जानता हूँ, वो बहुत आलसी है, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और इसीलिए वो दूर गया होगा। मैं जा रहा हूँ यूरोप। मैं तो क्रिस के पीछे जाऊंगा और उसे धक्का दूंगा, उसे मिल जाए तो। और पैसे मैं ले लूंगा। अब मैं मेरा टेंट लगाता हूँ, अच्छे से खाना खाता हूँ और आज रात मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, चलो अब कैंप लगाते हैं। अच्छा, तुमने अपना टेंट पहले ही बना लिया? हाँ, मुझे बहुत टाइम लग गया। तो इसे हटाकर वापस लगाओ क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। नहीं। यार, हम टेंट इंडस्ट्री को कितना बिजनेस दे रहे हैं ना, हमने कितने सारे टेंट खरीदे। देखो, पहला स्टेप टेंट बनाने का वो है कंप्लेन करना। ओ, मैं बहुत गुस्सा हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? तुम जानते हो ना कि खजाना कहाँ है? क्या तुम एक सौदा करना चाहोगे? मैं 50-50 में नहीं मानूंगा क्रिस। मैं बस $200 लूंगा, मुझे बस उसे ढूंढना है। बस उसे ढूंढना है? हाँ, मैंने इसे $2,800 का ऑफर दिया है, कोई इससे ज्यादा देगा? बेवकूफ, मुझे पहले मिल गया है। तुम ये टेंट बना रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। मुझे इसकी प्रैक्टिस है, बॉय स्काउट से पहले कब स्काउट और उसके बाद बॉय स्काउट। वो मुझसे मदद मांगने जरूर आएंगे और मैं कहूंगा जाओ दरिया में डूब मरो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, हवा रोकने के लिए जेक के टेंट के पीछे बनाता हूँ। ये एक अच्छा फैसला है। बच्चों, खजाने का एक और क्लू पाने के लिए यहाँ पर आ जाओ। आओ आओ, वो आइलैंड के इस तरफ है। मुझे मिल गया। डस्टिन को वो गड़ा खजाना मिल गया। जानते हो डस्टिन, हम सब लोग एक सुनसान आइलैंड पर हैं और कोई भी नहीं जानता कि 9 बजे तक यहाँ क्या क्या हो सकता है। अगर ये डस्टिन को मिला तो इसे ये मुझे देना चाहिए। मैं मेरा टेंट लगाने के लिए जॉश को ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे $20 दूंगा। ओ, कितने जीते तुम? पूरे $3,000। तुम 3,000 जीते और मुझे $20 दोगे? वाओ, ठीक है, इस पैड के पैसे कौन देगा? कैसा रहेगा अगर मैं तुम दोनों को $1,000 दूं तो? हाँ, मुझे वही ना बात, ये सही डील है। बहुत अच्छी बात, नाइस, तुम कर सकते हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तारीख। ओ माय, बहुत अच्छे। मुझे तकलीफ मत दो। सुनो, इसके बाद एक साथ स्कूबा डाइविंग चलते हैं। मैं स्विम करने जा रहा हूँ। तो फिर जाओ, मजे करो। हे जिमी, मैं ये कैमरा फेंक रहा हूँ। बहुत ही खराब निशाना था। ठीक है, मैं और चैंडलर अब पानी के अंदर जा रहे हैं, कुछ मिला तो आपको बता देंगे। तो ठीक है, वहाँ पर एक और आइलैंड है, हम वहाँ पर तैरते हुए जाएंगे क्योंकि हमें कंटेंट चाहिए। ओ देखो, यहाँ पर एक शार्क भी है। ठीक है गाइस, हमें एक लंबा सफर तय करना है, चलो चलते हैं। शार्क बॉयज, वो आइलैंड ठीक वहाँ पर है, तैरते रहो। सब लोग जेक की पीठ पर बैठ जाओ। जिमी, तो बहुत पीछे हो। मुझे आगे बढ़ते रहना है, मैं आगे जाऊंगा। मेरी आंखों में पानी चला गया और मैं मरते मरते बचा। जानते हो ना, समंदर दूसरी तरफ है,
इसके हम यूरोप तक तैर सकते हैं। नारुतो पानी से जा रहा है, स्पीड देखो। तुम एक मोटर बोट की तरह हो, चलते रहो। चैंडलर कहाँ जा रहे हो तुम? आइलैंड इस तरफ है, पहुंच गए। ओके चलो चलते रहो। मैं बहुत थक गया हूँ, क्या हम यहाँ एक टेंट ला सकते हैं? उसके लिए वापस जाना होगा। मतलब तुम जाना चाहते हो वहां पर? हे जेक, थोड़ा स्लो मोशन देना। मुझे गॉगल्स चाहिए। तेरी क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें एक स्लोमो वीडियो चाहिए। क्रिस चलो पानी से बाहर आओ और आग जलाओ ताकि हम हॉट डॉग खा सकें। मेरे को नहीं आना। क्या कहा? गुड बॉय। वो तो इस वक्त पानी में मस्ती कर रहा है। मुझे गिरा मत देना तुम। मैंने बोला था मुझे मत गिराना। हम ड्रोन को ऊपर भेज रहे हैं ताकि आप देख सकें कि आइलैंड कितना छोटा है। आइलैंड छोटा हो रहा है क्या? आइलैंड छोटा हो रहा है। किसने कहा? मदर नेचर ने। ये क्या कर रहे हो मॉम? गाइस हमें अब जाना होगा शायद वहां पर। हमने खाई बनाई है, हम कहीं नहीं जाने वाले। मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। देख के ओ, ये काम कर रहा है। काम कर गया। चलो और खाई बनाओ। ये पूल। गाइस खोदना शुरू करो, गांव की रक्षा करो। ओ और एक वेव, जरा इसे देखो। जेक तुमने अपने टेंट को बचा लिया, चैंडलर रेत से पैरों को सुखा लो। चलो इसी बहाने थाइस की अच्छी कसरत हो गई। ये काम कर रहा है? हाँ सच में ये वाली वेव बड़ी है। हम बच गए, हमने बचा लिया। हम अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। शाबाश, खोदते रहो। ठीक है, इस ओर की दीवार सुरक्षित है, चलो उस ओर चलते हैं। ये साइड लगभग 5 फुट ऊपर है तो ये सेफ है। हमारा अगला पॉइंट है ठीक यहाँ पर। ये देखो एक बड़ी वेव आ रही है। ओ, ये सच में बहुत बड़ा है। ओ माय गॉश, हम एक बार फिर से बच गए। किसने सोचा था आइलैंड पर पानी भी होगा? ये आइलैंड है, आई वाटर नहीं है। शायद हमें थोड़ा खाना बना लेना चाहिए। चैंडलर देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, हमने बहुत अच्छा काम किया। तो अब खाना तो बनता है। अगर गाँव पानी के अंदर होगा तो हम आग कैसे जलाएंगे? चैंडलर प्लीज मदद करो। ठीक, इसे पकड़ो। ओके, इसे खोना मत। ओके, ये क्या है? अगर तुमने इसे बना लिया तो तुम्हें खाना मिलेगा। खाना? हाँ खाना। इस आइलैंड को डूबने से बचाओ, तुम्हें जितने चाहिए उतने हॉट डॉग्स मिलेंगे, दुनिया के सारे हॉट डॉग्स। वेव्स नहीं चाहती तुम्हें हॉट डॉग्स मिले। मैं थक गया हूं। क्या तुम्हें खाना चाहिए? खाना? पानी? खाने का क्या? ओके, तो पहले तुम्हें पानी मिलेगा तो, और उसके बाद खाना। दस्ते ने काम करो, दीवार की दूसरी ओर खड़े रहो। ठीक है। खाई ने काम कर दिया, ये अब तक का हमारा सबसे बढ़िया आइडिया था। इसने एक्चुअली वेव्स को रोक दिया है। अब हम खाना बनाएंगे, कुछ हॉट डॉग्स खाएंगे, बहुत मजा आएगा। पता है यहाँ पर बहुत सारी रेत है और बहुत सारा पानी भी है और बर्ड्स चारों ओर पूप कर रहे हैं। मैंने सुना तुम बर्ड्स जैसे ही हो। मैं? किसने कहा? ऐसा किसने कहा? इसकी वीडियो में आऊंगा और चैंडलर के ऊपर छी करूं। तुमने कहा मैं बर्ड्स जैसा दिखता हूं? तुम एक बड़े बर्ड हो। ठीक है। ओके ठीक है। सिर उठाओ, अपना सिर उठाओ। ये कौन सा बर्ड है? नहीं कर सकता। मेरी आग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आग जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? तुम ये चाहते हो ना कि मैं वो फिर से दोहराऊं? सही कहा। फ्यूल, चिंगारी और ऑक्सीजन। सब लोग कहते थे नहीं तुम मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, लेकिन नहीं, जब हम फूंकते हैं तो ऑक्सीजन आग में धकेला जाता है। तो आप गलत हो कमेंट सेक्शन। बुद्धू कहीं के, मुझे सनबर्न हो गया, मुझे सनस्क्रीन लगाना भूल गया, लेकिन मैं एक बॉय स्काउट हूँ। कब स्काउट? जानते हो बॉय स्काउट का पहला नियम क्या है? कब स्काउट? सनस्क्रीन। नहीं, तैयार रहो, ये दहाड़ने का वक्त है बॉयज, खुद को तैयार कर लो। और हाँ, हॉट डॉग्स को भी। जिमी मेरी तारीफ करो, मैंने आग जलाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं चाहता हूँ तुम तारीफ करो मेरी। मैडी की तरह बातें मत करो, मुझे यहाँ से जाना होगा। इधर आओ मैडी, कम ऑन। वो बस एक छोटा सा जोक था और कुछ नहीं, यकीन करो वो सच नहीं था। मैं बस बॉयज के साथ बैठा हुआ था और मजेदार जोक बनाने का मौका खुद चल के आ गया, तो मैंने उसे ले लिया। तो कोई बात नहीं, है ना? सही कह रहा हूँ ना? ओके कोई बात। ओके, लव यू मैडी। ओ गॉश, ये क्या? ये चाकू लेके दौड़ क्यों रहा है? अरे इससे ये चाकू ले लो कोई। एक पागल को कोई दूसरा पागल ही रोक सकता है, वो है चैंडलर। अटैक, क्या कर रहे हो? अरे अपनी दोस्ती के बारे में सोचो। आग को छूकर दिखाओ। नहीं, तुम्हारी लॉ उतने काबिल नहीं है। चैंडलर तुमने उसे क्या कहा? उसे ऐसे ही भगाते हैं।
ये चैंडलर। ओ, वो मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। ओ गॉश। अगर अगले 30 मिनट में खाना नहीं मिला तो मैं सारे कपड़े उतार कर घूमूंगा और पता है मैं और क्या करूंगा? मैं सारे टेंट उखाड़ दूंगा। तो फिर से सोच लो, मैं आग बुझा दूंगा और अगले 30 मिनट में कपड़े उतार दूंगा। तो जल्दी खाना बनाओ। मैंने अपने हाथ नहीं धोए हैं, पर क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक है। क्या तुमने हाथ नहीं धोए? क्या तुम पिछवाड़ा खुजा रहे थे? बिल्कुल सही कहा। हमें ऐसी जगह पर इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलो अब बंस लेते हैं और थोड़ा केचप भी और थोड़ा मस्टर्ड। नहीं, चलो भागो यहाँ से, हमारा खाना है ये हमारा खाना है। मुझे लगता है मैं इतने सारे नहीं खाऊंगा, तुम ले लो। सबको सिर्फ दो हॉट डॉग्स ही मिलेंगे आज रात, बस इतना ही मिलेगा। जरा एक और देना। क्रिस, थैंक यू। सबसे पहले मैंने कहा। यू वेलकम। मुझे ज्यादा तारीफ की आदत नहीं है। वो नीचे गिर जाएगा, कस के पकड़ो। अब छोड़ो, दफा हो जाओ, ये हमारा खाना है। हमें मस्टर्ड के लिए और क्या करना पड़ेगा तारीख? मुझे नहीं पता। आखिर कितनी बार बोले, बोलो एक बार। वो भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। असल में हम जब भी ट्रिप पर जाते हैं कैचअप और मस्टर्ड लेना भूल जाते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ सॉसी तो है। उस माउंटेन पे पानी भूल गए थे। मैं पानी के बिना रह सकता हूँ, उसके बिना जिंदा रह सकते हैं? हम डिहाइड्रेशन से मरने वाले हैं। लेकिन कैचअप और मस्टर्ड के बिना हॉट डॉग खाना, इससे अच्छा तो मुझे पानी में डुबोकर मार दो। गाइस, ये ड्रोन शॉट इतना अच्छा नहीं है, हम दिख भी नहीं रहे हैं। नहीं दिख रहे तो ये आग देखो। मैं बहुत थक गया हूँ। आज मैं कुछ ज्यादा ही तैर लिया, इतनी थकान हो रही है हिलने का भी मन नहीं कर रहा। अब मैं सोने वाला हूँ। गुड नाइट। मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैंने अपना एक हॉट डॉग गिरा दिया। अब मैं सो रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। आइलैंड पर घूम घूम कर बहुत थक गया हूँ मैं। क्या पता कल सुबह जाने वाले हैं भी या नहीं। लाइट ऑफ कर सकते हो प्लीज? मैं अंधेरी नगरी का शैतान राजा हूँ। अब तो मैं बच्चे जैसा लग रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं टेंट में आकर सो गया, नहीं जानता कैसे। नींद जरा भी नहीं हुई, रेत कंफर्टेबल नहीं होती। मैं थका हुआ हूँ, मुझे शांति से सोने दो प्लीज। ठीक है, गुड मॉर्निंग। मैं चेयर पर ही सो गया था, शायद अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। लगभग 24 घंटे पूरे हो गए, उम्मीद है बोट जल्दी आ जाएगी। ये अभी तक की सबसे बेकार रात थी, मेरे पूरे बदन पर रेत लगी है, मुझे नहाना है। मैं नहा सकता हूँ क्या? तो गाइस, मैं अभी सोच रहा था, क्या होगा अगर आज बोट्स यहाँ पर नहीं आई? ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारे पास फ्लेयर गन है। मुझे नहीं लगता। नहीं, ओके, तो सब उम्मीद करो कि बोट्स आ जाएं। मुझे आइलैंड से नफरत है। सही कहा। आप सुनसान आइलैंड पर 24 घंटे बिल्कुल मत बिताना, बहुत ही तकलीफ होती है। अगर वो बोट्स जल्दी नहीं आई ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। हम अभी सामान बांध रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो बोट्स हमें भूल ना गई हों। हम इस आइलैंड पर जो भी लाए थे उसे याद से ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। हमारी बोट्स आ गई। Hey guys, good news. हमारी बोट्स आ गई है। ये नहीं 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 आई, अभी भी बहुत दूर है। हाँ, मेरा मतलब वहाँ से। बहुत हो गया। तुम्हें मुझे उठा कर ले जाना होगा। तुम्हारा वजन कितना है? 85 किलो के आसपास। त्रिक 90 किलो तक उठा सकता है। हाय, हेलो, थैंक गॉड, कम ऑन गाइस। मुझे सनबर्न हुआ है, मुझे छुओ मत। बहुत पसीना, कम ऑन। सनबर्न हुआ है। लव यू गाइस। बोट्स आ गई हैं, आओ चलो हम जा रहे हैं।